नमस्कार। ऑनलाइन अध्ययन में पुनः विद्यार्थियों आपका स्वागत है। कक्षा 6 से 10 तक हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन से संबंधित 4 अंक का एक प्रश्न आता है और इस प्रश्न को हल करने के लिए आपकी सहायक सामग्री में, आपकी व्याकरण की पुस्तक में पत्र प्रमाण पत्र जितने दिए हुए होते हैं उनको छात्र रटने का प्रयास करते हैं। पत्र हो चाहे प्रमाण पत्र हो, उन्हें रटने की अपेक्षा प्रश्न में जो बात पूछी जा रही है उसको केंद्रित करते हुए आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई अशुद्धि अंक कटौती की संभावना नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए आपको अपने मित्र को सेकेंडरी स्कूल परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान आने पर एक बधाई पत्र लिखना है। बधाई पत्र पुरस्कार प्राप्त करने पर प्रावीण्य सूची अर्थात मेरिट में आने पर या अन्य उत्कृष्ट गतिविधियों में प्रदर्शन करने पर मिलता है, तो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर आपको बधाई पत्र लिखना होता है। जो नया पैटर्न है NCERT का विद्यार्थियों, उसके अंतर्गत सर्वप्रथम जिस स्थान पर आप हैं अर्थात जहां से आप पत्र लिख रहे हैं बाई ओर सर्वप्रथम उस मोहल्ले का नाम, मोहल्ले का नाम पर नहीं हुआ है तो गली का नाम, ये भी नहीं है तो वार्ड संख्या हर स्थान पर है, वार्ड नहीं है ब्लॉक संख्या उपलब्ध है उसको आप लिखेंगे। दूसरी पंक्ति में बाई ओर उस शहर का नाम लिखेंगे आप जिस स्थान पर निवास कर रहे हैं अर्थात जहां से आप पत्र लिख रहे हैं। तीसरी पंक्ति में आपके दिनांक आएगी। बाई ओर की तीन पंक्तियों का यह काम आप पूर्ण करेंगे। उदाहरण अपना प्रश्न है बधाई पत्र, आप सर्वप्रथम लिख देंगे प्रश्न में दिया हुआ नहीं है मोहल्ले का नाम तो आप काल्पनिक नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं काल्पनिक नाम लिख रहा हूं आदर्श नगर, शहर का नाम मान लीजिए रतनगढ़। दिनांक शब्द लिखना नहीं है, दिनांक आपको लगानी है। जैसे जून माह चल रहा है अपने आज, जून और आज दिनांक हो गई 11/2020। यह सैद्धांतिक तरीका आप प्रारंभ की तीन पंक्तियों के अंतर्गत लिखें। बधाई पत्र आप अपने मित्र को लिख रहे हो, मित्र आपके बराबर वाला है तो आप लिखेंगे प्रिय मित्र। उसका नाम मान लीजिए महेश है, प्रिय मित्र महेश। आप गौर करेंगे सारा काम बाईं ओर से चला है और बाईं ओर ही समाप्त होगा। संबोधन के बाद में आप लिखेंगे सादर नमस्कार। और उसके बाद में बीच में आप दिन चिन्ह लगाएंगे। जब भी आप संवेदना या शोक पत्र को छोड़ करके और शेष दो भी पत्र लिखते हैं उसके अंतर्गत प्रारंभ में कुशलता के समाचारों को लिखना होता है। जैसे हम सभी यहां पर
कुशलता से है। आशा है आप भी वहां पर प्रसन्न होंगे। अब आप अपने मित्र को सेकेंडरी स्कूल परीक्षा अर्थात दसवीं के अंदर उसने राज्य भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसकी बधाई देनी है आपको। तो आप देखेंगे आज समाचार पत्र में कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम प्रकाशित हुआ। तथा आपने राज्य भर में प्रथम स्थान प्राप्त करके एक सर्वोत्कृष्ट कीर्तिमान स्थापित किया। इस अद्वितीय उपलब्धि पर कोटि-कोटि बधाइयां। भविष्य में भी आप इसी तरह उन्नति करते हुए श्रेष्ठ कीर्तिमान स्थापित करेंगे। सभी बड़ों को सादर चरण वंदन तथा छोटों को आशीष एवं दुलार। शेष आनंद आपका मित्र मान लीजिए भेजने वाले का नाम माधव है, इसमें आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। यह विद्यार्थियों एक उदाहरण के रूप में आपको एक पत्र लिख करके बताया है। इसके अनुसार ही आप अन्य पत्र भी लिख सकते हैं, जैसे पिताजी को वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में, माताजी को स्वास्थ्य की जानकारी देने के बारे में, अपने मित्र को किसी ऐतिहासिक स्थल पर आप भ्रमण करने गए, या अपने छात्रावास जीवन के बारे में आप बता सकते हैं। आज का विद्यार्थियों आपके लिए गृह कार्य है
अपने मित्र को शैक्षिक भ्रमण जोधपुर के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखिए। यह पत्र किसी से लगभग मिलता जुलता है। बधाई पत्र की जगह आपने जोधपुर के अंदर क्या क्या देखा उसका वर्णन।